भाई साहब यार ये तो खतरनाक है भाई, विली मार दी यार इसने तो, क्या जबरदस्त विली मारती है यार ये तो। मतलब अगर आप एक बिगनर हो तो भाई कंट्रोल करना इसको थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपसे। तो काफ़ी बढ़िया यार, बहुत तगड़ा इनिशियल एक्सेलेरेशन है भाई, इनिशियल एक्सेलेरेशन बहुत खतरनाक है यार बाइक का। ओ भाई साहब ये तो विली मार रही है यार। यार ये तो हर टाइम विली मार रही है, नाइस। ओ यार यार ये विली मार रही है भाई, ओ माय गॉड, क्या इनिशियल एक्सेलरेशन है भाई इसका, बहुत ही भयंकर। सो अभी मैं सो 0 to 100 के लिए यार मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा सा लीन रहूँ ज़्यादा और विली को कंट्रोल कर सकूँ, क्योंकि यार ये बहुत तगड़ी विली मार रही है भाई, बहुत तगड़ी विली मार रही है। तो आराम से थोड़ा मैं ट्राई करता हूँ फर्स्ट गियर में इसको उठाने के लिए। तो भाई ये 0 to 100 भी पहुंचने में बहुत कम टाइम ले रही है, बहुत ही कम। सो अब ट्राई करके देखते हैं हर गियर में बाइक की टॉप स्पीड कितनी है। तो स्टार्ट करते हैं, अपना फर्स्ट गियर मैंने एंगेज कर दिया है 40+, 70+, 100+, 120+। तो भाई 160 के आसपास जा रही है और यहाँ पे रोड नया है अभी और लोग आ रहे हैं, तो इसलिए भाई थोड़ा खतरनाक है यहाँ पे टेस्ट कर पाना, क्योंकि कोई भी रॉन्ग साइड से आ जाता है। ओके तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं बाइक की टॉप स्पीड हर गियर में और टॉप एंड भी देखते हैं कि बाइक टॉप एंड पे कितनी टॉप स्पीड इसकी जाती है 6 गियर में। तो यो फर्स्ट गियर एंगेज हो चुका है और देखते हैं बाइक कितना जाएगी हर गियर में। 40+, 70+, 100, 120+। अरे यार आगे रोड ही बंद है यार, शिट मैन। लेकिन क्या खतरनाक ही परफॉर्मेंस है भाई इसकी, भाई ये ड्यूक 390 से किसी भी एंगल से कम नहीं है यार, इनिशियल एक्सेलेरेशन बहुत खतरनाक है। और ये एक स्पोर्टी टाइप की बाइक नहीं है, एक रेट्रो स्टाइल की बाइक है, तो उसके अकॉर्डिंग भाई ये परफॉर्मेंस एक 400 cc की बाइक से, भाई साहब ये खतरनाक ही चीज़ है भाई। अगर आप एक एक्सपीरियंस राइडर नहीं हो तो भाई इसको प्लीज़ मत लेना, पहले अपना कुछ राइड करना सीखो। बिगनर राइडर के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप एक बिगनर राइडर हो तो मैं बिल्कुल भी आपको सजेशन नहीं दूंगा, ये बाइक आपको सजेस्ट नहीं करूंगा मैं बिल्कुल भी। तो भाई टॉप स्पीड टेस्ट के लिए ये अपना फाइनल राउंड है, इसमें अगर बाइक की टॉप स्पीड 160 या उससे क्रॉस करती है तो उसके बाद मैं नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि नई बाइक है यार और मैं नहीं चाहता कि अपनी बाइक के साथ कुछ हो, क्योंकि बहुत ख़तरनाक परफॉर्मेंस है और रोड ऐसे हैं कि अभी नए बने हैं तो कोई भी आके बीच में कहीं भी टपक जाता है, तो वो सेफ्टी इशू बहुत ज़्यादा है यार यहाँ पे। तो सेफ्टी के साथ कोई भी खिलवाड़ मैं करना नहीं चाहता हूँ अपनी न्यू बाइक के साथ और ना ही अपने साथ, इसीलिए आपको हर वीडियो में बोलता हूँ राइड सेफ ड्राइव सेफ। लेकिन आप लोगों के लिए मैं टेस्ट कर रहा हूँ और ट्राई करता हूँ कि 160 से ऊपर ये बाइक अगर जाती है तो ये फाइनल टेस्ट अब ट्राई करके देखते हैं।
सो गाइस अभी तो ये 160 के आसपास ही जा रही है, 500 किलोमीटर के आसपास चलेगी या फिर इसकी फर्स्ट सर्विस जब हो जाएगी तब शायद इसकी टॉप स्पीड थोड़ी और बेटर हो सकती है। सो यार आप लोगों के लिए मैंने ये ट्राई किया था कि मैं आपको बाइक की परफॉर्मेंस के बारे में बता दूं, और भाई जो इसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ख़तरनाक है। इनिशियल एक्सेलेरेशन पे आपने देख ही लिया है कि बाइक कितनी तगड़ी व्हीली मारती है यार, तो ये बिगिनर राइडर के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है इस बाइक को चलाना। और परफॉर्मेंस में बिल्कुल ड्यूक 390 के टक्कर की बाइक है ये, लेकिन रेट्रो स्टाइल वाली सेगमेंट में ये बाइक परफॉर्मेंस में सबसे बेस्ट है। तो यार वीडियो में कुछ भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन राइड सेफ ड्राइव सेफ।